सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ग्राम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम रीस्टोर के बारे में। सिस्टम रीस्टोर क्या होता है और क्यों हर कंप्यूटर यूजर्स को सिस्टम रीस्टोर का यूज करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, ये पूरा डिटेल्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है इंतखाब और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्राम। दोस्तों, सिस्टम रीस्टोर विंडोज का एक फीचर है जो हर कंप्यूटर यूजर्स को अपने कंप्यूटर को लास्ट वर्किंग कंडीशन में लाने का परमिशन देता है। अगर किसी वजह से आपके कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है या फिर कोई ड्राइवर क्रैश हो गया है या फिर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है तो उसको ठीक करने के लिए आप अपने विंडोज को लास्ट वर्किंग कंडीशन में रीस्टोर कर सकते हैं। मान लो आपका कंप्यूटर पिछले हफ्ते बिल्कुल सही चल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से आपने अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई ड्राइवर इंस्टॉल किया है या फिर कोई वायरस आ गया है, उसके बाद से आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, तो आप अपने कंप्यूटर को, अपने विंडोज को लास्ट वर्किंग कंडीशन में, मीन्स पिछले हफ्ते जब आपका कंप्यूटर सही चल रहा था उस डेट में रिस्टोर कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर फिर पहले की तरह सही चलने लगेगा। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना होगा और ये सिस्टम रीस्टोर सिर्फ विंडोज को रीस्टोर करता है, ना कि आपके ड्राइव को, डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव। तो ये पूरा डिटेल्स मैं अब आपको बताऊंगा आगे और मैं आपको ये प्रोसेस पूरा सिस्टम रीस्टोर का बताऊंगा विंडोज 10 में। लेकिन अगर आप कोई विंडोज का कोई और वर्जन यूज करते हैं जैसे विंडोज 7 या फिर विंडोज 8 तो उसमें भी ये पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं सिस्टम रीस्टोर के बारे में। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहां मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सिस्टम रीस्टोर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो आपको यहां पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और सर्च बटन में जाकर आपको टाइप करना है रीस्टोर। रीस्टोर जब आप टाइप करेंगे सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक रीस्टोर पॉइंट क्लिक करना है। जब ये विंडोज खुलेगा सिस्टम प्रॉपर्टीज का तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स हैं वो यहाँ पे शो करेगा। ऊपर सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन है और नीचे है कॉन्फ़िगर एंड क्रिएट। सबसे पहले आपको जो करना है वो कॉन्फ़िगर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ इस पे कॉन्फ़िगर पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे ये आपका टर्न ऑन होना चाहिए सिस्टम प्रोटेक्शन, अगर नहीं है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से नीचे देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन दिखा रहा है ये इसलिए है कि आप यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को सिस्टम रिस्टोर के लिए कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो मैंने अपने जैसे कंप्यूटर को यहाँ पे दिया हुआ है 5 GB के अराउंड दिया हुआ है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो इसको आपको सिलेक्ट करके जितना आपको रखना है उतना एडजस्ट करके यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद से आपको नीचे देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको आगे याद रहेगा जब भी आप उसको अंडू करने जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो कि आपको याद रहे। तो मैं जैसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रीस्टोर माई कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो क्रिएटिंग रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने में एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा। उसके बाद से जब रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद से आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बता दूं ये सिस्टम रीस्टोर सिर्फ आपके विंडोज को रीस्टोर करेगा, आपको यहाँ पे दूसरा अगर कोई ड्राइव दिख रहा है उसको रीस्टोर नहीं करता है, विंडोज को रीस्टोर करेगा और उसमें जिसमें आपका सॉफ्टवेयर को जो भी इंस्टॉल किया है, अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल किया है वो सारा उसको रिस्टोर कर, पूरी सी ड्राइव को आपको रिस्टोर करेगा जिसमें विंडोज इंस्टॉल है। देखिए द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब हमारा रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, अगर आपने पहले कभी अपना कंप्यूटर बैक डेट में रिस्टोर किया है तो ये अंडू सिस्टम का रिस्टोर आएगा, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ आएगा अपना रिस्टोर पॉइंट सिलेक्ट करने का जो आपने क्रिएट किया था। तो सिंपल उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा आपका रिस्टोर पॉइंट, पहले जो भी आपने क्रिएट किया था इसको रिस्टोर पे क्लिक करने से पहले। तो आपको यहाँ से अपना रिस्टोर पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने अपना रिस्टोर पॉइंट सिलेक्ट किया था, क्रिएट किया था रिस्टोर माय कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे मेरा लिस्ट दिखा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 2-3 रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था।
तो इसको इस पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ स्कैन नहीं करना है, अगर चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं, ये पूरा आपके एप्लीकेशन को स्कैन करेगा। उसके बाद सिंपल यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद से देखिए यहाँ पे सिर्फ सी ड्राइव दिखा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ सी ड्राइव में जो विंडोज है उसको रिस्टोर करेगा। उसके बाद से सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा वंस स्टार्टेड सिस्टम रिस्टोर कैन नॉट बी इंटरप्टेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे जब आपका रिस्टोर का प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद से आप उसको बैक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल यस पे क्लिक करना है। जब ये रिस्टोरिंग शुरू होगा उसके बाद से बीच में आपका कंप्यूटर एक बार रिस्टार्ट होगा, कंप्लीट होने के बाद से रिस्टार्ट होगा। जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा दोबारा उसके बाद से आपको दिखाएगा सक्सेसफुल रिस्टोर का मैसेज, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है और ये प्रिपेयरिंग टू रिस्टार्ट रिस्टोर योर सिस्टम। अभी ये रिस्टोरिंग स्टार्ट करेगा और जैसे कंप्लीट होगा आपका कंप्यूटर यहाँ पे रिस्टार्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों सिस्टम रिस्टोरिंग कंप्लीट होने में 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक का भी समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के स्पीड कितना है, आपके कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स इंस्टॉल है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आप मान के चलो 20 से 25 मिनट तो लगेगा ही। एक बार जब आपका रिस्टोरिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद से इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है आपके कंप्यूटर में तो आपको सिंपल जाके वहीं पे बैक डेट में आपको उसको वहां पे अंडू करना है और दोबारा आपका कंप्यूटर फिर पहले जैसे अच्छा सही से चल रहा था वैसे ही फिर से आपका कंप्यूटर सही से चलने लगेगा। जो भी वायरस हो गए, मालवेयर होगा, जो भी होगा उसको ये डिलीट कर देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ गया, सिस्टम रिस्टोर कंप्लीट सक्सेसफुली, द सिस्टम हैज बीन रिस्टोर टू 13 अप्रैल 2019 5:45 PM, योर डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन अफेक्टेड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।